सब्सक्राइब कीजिए देशी भक्ति चैनल को और घंटी जरूर दबाइए। देशी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर में अगर आपको छिपकली दिखाई देती है तो इसके संकेत क्या हैं। ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज्योतिष के अनुसार दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भविष्य में कैसा समय होगा। जैसे छिपकली के शरीर पर गिरने से भी शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में जाना जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार छिपकली का पुरुषों के बाएं अंगों एवं महिलाओं के दाहिने अंगों पर गिरना अशुभ माना जाता है। पुरुषों के दाएं अंगों एवं स्त्रियों के बाएं अंगों पर गिरना शुभ होता है। जब छिपकली शरीर के किसी अंग पर गिरे तो उस स्थान को पानी से धो लें या नहा लें, क्योंकि उसके शरीर में जहरीला पदार्थ होता है। जब भी वह किसी पर गिरती है तो वह शरीर का जहर आपकी त्वचा पर छोड़ देती है। तो आइए जानते हैं कि छिपकली दिखाई देने का अर्थ क्या होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार दिन में भोजन करते समय यदि छिपकली का बोलना सुनाई दे तो शीघ्र ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है या फिर कोई शुभ फल प्राप्त हो सकता है। हालांकि ये घटना बहुत कम होती है क्योंकि छिपकली अधिकांश रात के समय ही बोलती है। छिपकली अगर माथे पर गिरती है तो संपत्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर छिपकली समागम करती मिले तो किसी पुराने मित्र से मिलना हो सकता है। लड़ती दिखे तो किसी दूसरे से झगड़ा संभव है और अगर अलग होती दिखे तो किसी प्रियजन से बिछुड़ने का दुख सहन करना पड़ सकता है। दाहिने घुटने पर छिपकली गिरने से यात्रा का संयोग बनेगा। बाएं घुटने पर छिपकली गिरने का मतलब वृद्धि की हानि है। नए घर में प्रवेश करते समय यदि गृह स्वामी को छिपकली मरी हुई व मिट्टी लगी हुई दिखाई दे तो उसमें निवास करने वाले लोग रोगी हो सकते हैं, ऐसा शकुन शास्त्र में लिखा है। इस अपशगुन से बचने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। दाहिने घुटने पर छिपकली गिरने से यात्रा का संयोग बनेगा। बाएं घुटने पर छिपकली गिरने का मतलब वृद्धि की हानि है। दाहिने आंख पर छिपकली गिरने का मतलब किसी दोस्तों से मुलाकात होगी और बाईं आंख पर छिपकली गिरने का मतलब है जल्द ही बड़ी कोई हानि होने वाली है। दाढ़ी पर छिपकली गिरने का मतलब है कि आपके सामने जल्दी ही कोई भयावह घटना हो सकती है। ये सारी चीज़ें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।